Good morning, dear students of class 9. Today we are going to deal with a very important chapter of class 9. It is of physics and the name of the chapter is motion. So, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में है वो कब कहेंगे. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज ओ है, वो अपना प्लेस चेंज करता है. सपोज From place A to place B. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, तो ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. सो एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. एक एग्जाम्पल से इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं. सपोज यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, आप एक पेड़ के नीचे खड़े हो. एक कार दूर से आती हुई दिखाई देती है. आपने अपने घड़ी में टाइम देखा. सपोज द टाइम इज 10:01. उस समय ये कार जो थी वो इस पोजीशन में थी. सपोज पोजीशन ए, 10:02 में वो कार इस आसपास कहीं आ जाती है पोजीशन बी पे. 10:03 में वो कार पहुंच जाती है पोजीशन सी पे. तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये कार जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम. एंड व्हाट आर यू हियर, यू आर द ऑब्जर्वर. तो हम कहेंगे कि कार का जो स्टेट है, दैट स्टेट इज इन मोशन. आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू ऑल. नाउ मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है? ये तब पॉसिबल है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सपोज ये जो कार थी 10:01 में, आपसे इसका डिस्टेंस जो था दैट वाज 10 मीटर. 10:02 में ये कार जो है वो ट्रेवल करती है अनदर 10 मीटर. और फिर से फ्रॉम पोजीशन बी टू सी ये कार जो है वो ट्रेवल करता है फिर से 10 मीटर. व्हाट इज हैपनिंग हियर, द टाइम इज इंक्रीजिंग बाय 1 मिनट एंड द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर. तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. नाउ लेट अस मूव टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अनइक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ऑब्जेक्ट के स्टेट को कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ लेट अस मूव टू स्पीड. स्पीड क्या होता है? जैसे कॉमनली हम लोग कहते हैं कि यार इस कार की स्पीड बहुत ज्यादा है, उस बाइसिकल की स्पीड बहुत कम है. तो इट इज अ फिजिकल टर्म, ये फिजिक्स का एक टर्म है स्पीड. स्पीड को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से. रिमेंबर स्पीड इज डिनोटेड विथ कैपिटल वी और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम. सो हियर डिस्टेंस इज डिनोटेड विथ एस. स्पीड को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से और टाइम को डिनोट करते हैं टी से. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. क्यों मीटर पर सेकेंड? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. आई थिंक इट्स क्लियर अप टू हियर. नाउ वी कैन डिराइव अनदर फॉर्मूला फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो देयर इज नथिंग बिलो स्पीड. यहां 1 लिखा जा सकता है. अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं सो स्पीड
सॉरी डिस्टेंस इनटू वन, इट रिमेन्स द सेम डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. लेट अस मूव टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी इज डिनोटेड विथ स्मॉल वी, और इसके ऊपर क्या है? एक एरो है. ये एरो इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आएंगे उस पे, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. एसआई यूनिट जो होता है वेलोसिटी का और स्पीड का, दैट इज सेम. एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. अब यहां वी, इसको कहते हैं इस एरो को वेक्टर. सो वी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी. एस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. एंड टी इज इक्वल टू टाइम. अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस जो होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल बी गिवन. अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? एनी नंबर, कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोचो. सपोज मेरे दिमाग में आ रहा है 15, राइट? तो एनी नंबर एसोसिएटेड विथ एस आई यूनिट. तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एस आई यूनिट होता है, जैसे कि मास का केजी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मीटर. तो ये क्या हो गया? ये है एस आई यूनिट. सो एनी नंबर एसोसिएटेड विथ एन एस आई यूनिट इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड. इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए सपोज आप इस चौक पे खड़े हो, यहां पे कोई स्ट्रेंजर आता है, तो चार डायरेक्शंस होते हैं मेनली, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट. आप इस चौक पे खड़े हो, कोई स्ट्रेंजर आता है आपके पास इस चौक पे और पूछता है कि भाई आई हैव टू गो टू रांची, टेल मी द वे एंड टेल मी द डिस्टेंस. आपने उसको बताया उसको रांची जाना है, आपने बताया कि रांची की दूरी, रांची का डिस्टेंस जो है फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज 75 किलोमीटर. आपने उसको क्या बताया? एक नंबर और एक एसआई यूनिट. दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नीट्यूड. अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ आपने डायरेक्शन जोड़ दिया होता, सपोज यू माइट हैव सेड टू द स्ट्रेंजर दैट रांची इज 75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट towards north direction. तो क्या क्या आ गया अब हमारे पास? एक नंबर, एक ऐसा यूनिट और एक डायरेक्शन. तो इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. इफ ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन देन इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. इफ मैग्नीट्यूड इज एसोसिएटेड विथ अ डायरेक्शन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू अप टू हियर. So keep watching videos, we will upload